जय गो माता, जय गोपाल। सुबह के 4:30 बजे है और हम निकल पड़े हैं हैदराबाद से विजयवाड़ा की ओर। हम जा रहे हैं पुंगनुरु की बेहतरीन ब्रीड देखने के लिए और सबसे पुराने ब्रीडर भानु प्रकाश जी से मिलने के लिए। उनसे बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा हमें। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, हमारा सदैव प्रयास आप तक बहुत सारी कीमती चीजें पहुंचाने का रहता है। जैसे ही हम आंध्रा में प्रवेश करते हैं, हरियाली चारों तरफ दिखने लगती है। बड़ा ही सुंदर प्रदेश है और कुछ दूर जाने पे हमें ओंगोल के सुंदर नंदी का दर्शन हुआ। बहुत ही मजबूत नस्ल होती है ओंगोल की। आज भी किसान यहाँ पर खेती और बाकी चीजें इन्हीं बैलों के द्वारा करते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, आनंद आ गया यहाँ घूमकर। धीरे धीरे हमारा कारवा बढ़ता गया और हम विजयवाड़ा की ओर पहुंचने लगे। दिल की धड़कनें बढ़ती रही दोस्तों, क्योंकि पुंगनुरु पहली बार देखने का जो क्रेज होता है, वो भी पुंगनुरु के क्षेत्र में, वो अलग ही होता है। धीरे धीरे हरियाली जैसे बढ़ती रही और हम प्रवेश करने लगे विजयवाड़ा की ओर, और बहुत ही आनंद का समय था। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, आप भानु प्रकाश जी की बातों को समझना, कैसे ये नस्लें विलुप्त हो रही थी और कैसे इन्होंने इसको बचाया है। पहुंच गए उनके गांव में और अभी मिलेंगे भानु प्रकाश जी से। जय गो माता, जय गो माता, जय गोपाल। दोस्तों विजयवाड़ा से भी 40 किलोमीटर दूर हूँ। विजयवाड़ा मतलब आंध्र प्रदेश, यहाँ से समुद्र तट से 20 किलोमीटर है। पुंगनुरु की खोज में आए। पुंगनुरु और ओंगोल, ये आंध्रा की बहुत ज़बरदस्त नस्लें हैं। पुंगनुरु सबसे छोटी है और ओंगोल भारत की सबसे ताकतवर नस्लों में से एक है। ओंगोल इतनी ताकतवर थी कि उसकी ताकत के लिए इसकी पहचान, यहाँ जो फाइटिंग होती है, यहाँ जो रेस होती है, वो सारी चीज़ें ज़बरदस्त होती है। तो ओंगोल और पुंगनुरु में, और पुंगनुरु के लिए विशेष एक बहुत अच्छे ब्रीडर है। ये गांव के अंदर हूँ, बहुत इंटीरियर आए हैं हम। आप इस वीडियो को देखना, आप पुंगनुरु के बारे में बहुत कुछ जानोगे सच्चाई। पुंगनुरु वास्तव में क्या है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज का बैरियर है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक एक ट्रांसलेटर के माध्यम से सारी बातें पहुँचा पाए। भानु प्रताप जी के फार्म में हम आइए, हम आपको मिला था भानु प्रताप जी से। दोस्तों आगे भानु प्रताप जी है। जय गो माता, जय गोपाल जी, प्रणाम। थोड़ा भाषा का दिक्कत होगा तो भाई का साथ लेते हैं अन्ना का हम। सर आप बड़ी छोटी छोटी ब्रीड है, क्या ये नस्ल है अन्ना, और पुंगनुरु का क्या महत्व होता है, इसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा भानु प्रताप जी से पूछिए। पुंगनुरु ఒక విశేషత ఏంది దాని ఒక లాభాల దానిపైన విశేష పుంగనూరు విశేషత చెప్పగలుగుతారా? యాక్చువల్గా ఈ పొట్టిగా ఉంటాయి, మామూలుగా చాలా స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉంటాయి. ఇవి వచ్చి మామూలుగా నా చింతనంలో చూసేవాడిని తర్వాత కనపట్టలేదని చెప్పి నేను నుంచి ఫార్మింగ్లో ఉన్నాను. అప్పటి నుంచి అప్పుడోటప్పుడోటి కలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నాకు ఫస్ట్ ఒక మంచి బుల్లు अभी थोड़ा लैंग्वेज में वो समझा रहे हैं, फिर अन्ना समझाएंगे आपको। तो बिल्कुल प्यारी पे छोटी छोटी, मेरी हाइट देखो, उनकी हाइट देखो, शानदार छोटी छोटी ब्रीड है। बहुत बढ़िया, ये दोनों छोटी छोटी, थोड़ी शर्माली शर्माती है, थोड़ा सा होता है ये तो बड़ी जी। अन्ना बताइए इनकी विशेषता क्या बता रहे थे? विशेषता गाय तो मूलतः छोटी रहती, इसका जो जाती है समाप्त होती जा रही थी, तो भैया जी इनके बचपन में गाय ज्यादा देखते थे, और इनके जो गुरु, जो इनके गुरु वेंकटरत्नम जी जो इनके गुरु थे, उनके पास ये देखते थे ज्यादातर। उसके बाद जैसा इनको इसके ऊपर रुचि बढ़ी, तो ये पालने के लिए ढूंढने तो नहीं मिल रहे थे। मिल ही नहीं रही थी क्योंकि और इच्छा रहना था मेरे और दोनों इच्छा दीस कुना ना बुल्लो कटे हरि कृष्णा जी बोल के एक अन्ना के परिचित थे, उनके पास से एक बुल लिए और एक गाय लिए 2004 में। ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, फिर भी ऐसे ऐसे ढूंढ के वो कहीं से अरेंज किए। उसके बाद 2004 से इसके ऊपर ब्रीडिंग करते, काम करना शुरू करने के बाद अभी आज यहाँ पे लगभग अभी कितनी मेरे इतनी पुंगनुरु किसी के पास नहीं, जितने 30 पुंगनुरु है। सूर्यप्रकाश जी देखिए, ये देखिए आप तीनों, इनकी हाइट देखिए, मेरी हाइट 6'3" है। अदित भाई हमारे साथ है हैदराबाद से, हम सुबह कितने बजे निकले? 2 बजे के निकले हुए ऐसे पुंगनुरु देखने के लिए। ये देखिए आप, बिल्कुल हाइट मेरी 6'3" है और मेरे घुटने से भी नीचे थे, 2.5 फीट 2 फीट
दो फीट होगा ये, दो फीट, ये दो फीट है, बिल्कुल दो फीट की देखिए आप, थोड़ा थोड़ा टेंशन, ये बच्चे हैं क्या, 8 महीने के, ये 4 महीने 6 महीने के, 6 महीने 7 महीने 8 महीने बच्चे, पर हाइट इससे ज़्यादा नहीं, 30 इंच आती है, 30 इंच, 35 36 इंच तक इसकी हाइट जाती है, बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे, देखो आप कैसा लगा भैया आपको, बहुत, आप तो बड़े प्रेमी हो भक्त, अरित भैया कैसा लगा आपको, आप अनु प्रताप जी का बहुत सुंदर काम है वास्तव में, बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे देखो, वाह, हाँ स्मॉल का, ये भगवान तिरुपति की गाय कहते हैं ना, पूछे क्यों क्या कारण है इसका, आप इनको आनंद, ये चित्तूर जिला का ओरिजिन है, जहाँ तिरुपति आता है तो इसीलिए उसको ऐसे भी बुलाते हैं, इसका ओरिजिन आंध्रा में ही चित्तूर जिला से, जिला में तो भगवान की गाय होगी, क्या बात है, जय हो, जय गो माता, చెన్నయ్య ఫ్యామిలీ అనుకుంటుంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ అవును, పొద్దున ఒక లీటర్ సాయంత్రం లీటర్ పాలు, తిను ఏక్ సాత్ ఏక్ తరఫ్ భాగ్ రే, అరే వా, ఇస్కో పకడ్నా, ఏక్ పకడ్నా, వా, ఇస్కా పాలలో మన విశేషత ఉందా అండి, వేరే, పాలు, క్యా బాత్ హై, జోర్దా, జై గో మాతా, చోటి రే, సమ్మా, ఇంకా ఇంకా దూద్ కిత్నా హోతా హై, దూద్ కీ ఖాసియత్ క్యా హై, తో क्या है ये, एक फैमिली के लिए एक गाय बस हो जाती है, उसका दूध बस हो जाता, आजा आजा, और एक फैमिली के लिए एक दो लीटर दूध आ जाता है, एक से दो लीटर दूध आया था, हेल्दी दूध, एक छोटी सी फैमिली के लिए बस हो जाता, और इसका फैट कंटेंट भी 7% एवरेज पे रहता फैट कंटेंट, आओ आओ अजीत भैया, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा होता है, और फैट कंटेंट भी 7% ही रहता है, 1-2 लीटर दूध देती है, घर के अंदर रह जाती है, छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, घर के अंदर रह सकती है, और आज मोदी जी ने इसको बड़ा प्रसारित किया, वो इसको कुर्सी पे बैठ के फीड कर रहे थे, हमारे देश में कितनी 200 ब्रीड्स थी, 200 ब्रीड्स विलुप्त हो गई, आंध्रा की और ओंगोल होगी जैसे पीछे ये होगी, इसके अलावा और कौन सी ब्रीड्स है, दो ही आंध्रा की ब्रीड्स, तो अभी ओंगोल तो फिर ये दो ही ब्रीड रजिस्टर्ड है, दो ब्रीड रजिस्टर्ड है, अगर अगर भैया जैसे लोग नहीं होते तो पुंगनूर तो खत्म ही हो जाता था 2004 में, आज वही वही तभी 2004 ऐसे हिडन जेम्स है आप, अरे 2004 में मुश्किल से मिला इनको, वो भी एक भैया थे जो इनको ढूंढ के दिए, वो उनको ढूंढ के उस समय बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से एक बुल और एक गाय दिए, तो आज 30 तक भैया पहुंचा दिया, ब्रीडिंग करते करते है। बड़ा अच्छा लगा, 5 इयर्स फॉर नालगो आउन प्रोसेस, 5 साल बैठना है, क्या कहा पहले 4-2 से एक बुल और एक गाय से 4 करने के लिए 5 साल लग गए उनको, 5 साल अगर आप जैसे लोग नहीं करते तो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती थी, फिर मोदी जी क्या खिलाते, भैया क्या है जो ब्रीडिंग कर रहे हैं बेचने के कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहे, इनको इनको फिर पूर्ण जीव करने के लिए कर रहे, ब्रीड बच जाए, हाँ इनके पालने के बाद बहुत सारे लोग ऐसी गाय पुंगनूर पालने की इंटरेस्ट जगह है, देखिए मैं फर्स्ट हम आपके ही आए, बाकी बहुत सारे लोगों ने कहा वहाँ जाओ, तो हम लोग सुबह 3 बजे के निकले हुए, सीधा यहीं आके ब्रेक किया है, पहले मिलना है अनु प्रताप जी से, आइए प्लीज वो दिखा देते हैं आप, इनका फीड क्या रहता है, कैसे इनका मैनेजमेंट होता है, 1 kg 1 kg ना 1 kg पर ये छोटे छोटे, थोड़ा ये बारिश ज्यादा होती है, बिल्कुल समुद्र के पास में ना, ये बुल है छोटा ना, ये सामने ये छोटा बुल है,
और ये छोटी काऊ आप ये अन्ना कितना हाइट होगा इसका? तो 28 इंच होगा मेरे हिसाब से, 30 इंच अराउंड है ना, 30 इंच की ये फुल ग्रोथ काऊ है। फाइनल का अंडे की हाइट क्या है जी इसकी? 2.5 इयर्स। और पीछे वाला उसका? ये बहुत सेम है हां, दोनों दोनों जैसे पीछे वाला ये बुल है 2 इयर्स अबव। जैसे आप अन्ना से बिल्कुल छोटी छोटी हाइट है, अगर आप इनको भानु प्रताप जी हाइट से देखें तो बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल काउस जी हो, बहुत सुंदर। और ये कलर्स में भी है इधर, ये भी है ये भी है, ये विलुप्त हो जाती है। भानु प्रताप जैसे लोग अगर नहीं होते तो ये गाय बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, इनके कारण ये बच पाई। अब देखिए बिल्कुल हाइट बिल्कुल छोटी छोटी नन्नी मन्नी है, बहुत सुंदर। एक दो लीटर दूध देती है, आजकल बड़े बड़े लोग अपने घरों में रखते हैं। और एक क्या है मालूम भैया इसका? बहुत स्ट्रांग रहते हो ये गाय, जो पुंगनूर है बहुत स्ट्रांग रहते, और इसका जो बुल रहता है बहुत फिरोशियस रहता, मार देता तेज होता है, बहुत तेज रहता है, बड़ा तेज, छोटा होता है पर तेज होता है, बहुत तेज बदमाश बच्चा है। रोक नहीं सकते उसको, बड़ी गाय को रोक सकते पर इसको रोक नहीं सकते। ये भी छोटी है, लंबी हो गई छोटी हो गई, एक दो लीटर दूध दे देती है, वाह 2 लीटर दे देती है, बिल्कुल छोटी छोटी है। हमारे सूर्य प्रकाश जी भी आए यहाँ तक, इनके साथ में छोटी छोटी नंदी मनी मनी गाय, वाह पुंगनूरू। वैसे पुंगनूरू में यहाँ पे छोटा विलेज भी है ना? नहीं, चित्तूर का ही ब्रीड है वो, चित्तूर का पुंगनूर गांव है, उरुड़ हाँ गांव भी है, पुंगनूर एक गांव है। उनका राजा इनको फोटो वन फोटो इज देयर पिक्चर ऑफ दैट पुंगनूर का ओरिजिनल ब्रीड। I have you have photo. Sure. So that type of cows now people have. That same photo. आठ लाख आओ उन्ना अंडे। उस photo जैसी गाय है लोगों के पास? है बोल के वो। है ना? तो इसका मतलब save होगी गाय। आप photo भेजेंगे आपको दिखाएंगे हम। ये छोटी छोटी गाय पकड़ो दोनों। इसको दिखाने के लिए हम यहाँ आए। यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है। क्यों सुर पे कह दी? क्या बात? खेल रहे हैं इनके साथ? ये तो बिल्कुल छोटी छोटी नंदी मंदी ले जाए जोधपुर। हाँ ना, उसमें बुल्स है, उधर से जाएंगे एक बार। उधर से बुल्स के चलते खाली बुल्स ये छोटे छोटे फाइट लड़ रहे हैं उधर, ये लड़ना शुरू हो गया दोनों, छोटी छोटी गाय इधर। बारिश बहुत होती है यहाँ पे सुबह सुबह। कितने बजे शुरू हुआ जी? 8:30 9 बारिश 9 बजे बारिश बहुत है। चलिए दूसरे में चलते, बारिश दिक्कत रहती है यहाँ पे। और ये हो गए सारे बुल्स, हाँ छोटे छोटे सारे। आप मैनेजमेंट भी अच्छा कर रखा है उधर, बड़े बुल्स भी दिखाएंगे आपको, बड़ी गाय भी दिखाएंगे और ओंगोल गाय भी दिखाएंगे, वो सारी आप देख लीजिएगा उधर। ये सारी गाय उधर है छोटी और ये बड़ी, और ये इनके हो गए छोटे छोटे बिल्कुल बुल्स, और कुछ बछड़ियाँ छोटी पीछे आप देखिए, बहुत सुंदर जी। तो ये आपकी फेवरेट, योर फेवरेट काऊ नेम? ओल्डेस्ट काऊ, एज्ड काऊ इन दैट अदर प्लेस एंड हियर योर बेस्ट काऊ इन ब्रीड कैरेक्टर वाइज बेस्ट काऊ देखते हैं। ये ओंगोल है ना? हाँ ये ओंगोल है। कौन सी है ये? वो बता रहे लेंथ लंबी है इसकी, हाइट हाइट और मिल्क भी 2 लीटर। दिस मदर गिव्स मी 2.5 लीटर्स बट आई एम नॉट ट्राइंग दिस सेकंड लैक्टेशन। ये आदमी का हाइट सर, वन फीमेल इज देयर एंड वन अदर फीमेल, रेड कलर बुल। हां रेड कलर बुल, अच्छा उसकी सिस्टर है ये। दीना తల్లి వచ్చి నాకు ఈ ఒక్కటే పేరు ఇచ్చింది, 5 మేల్స్ ఇచ్చింది। इसकी मदर 5 बुल दिया, एक ही फीमेल दिया, एक ही फीमेल दिया, 5 बछड़ा आया उसके बाद। अच्छा बछड़े से ग्रोथ हुआ ना फिर। और एक स्पेशलिटी क्या है बोल तो बानू जी, इनके बुल्स कोई गौशाला में रिक्वायरमेंट है तो वो देते भी हैं। अच्छा सर्विस बुल्स, सर्विस ओरिएंटेड तो उसके जनरेशन बढ़ेगी ना, अच्छा होगा। उसी के इससे दे रहे हो, उसी के भाव से के पुंगनूर की जनरेशन बढ़े, बुल्स भी दे रहे हो किसी को पूछे। थैंक यू सर, ग्रेट पर्सन सर, प्राउड ऑफ यू सर, बिकॉज ऑफ यू ये ब्रीड बच गई।
బ్యూటిఫుల్ సార్ అన్నారు కదండి బుల్స్ ఇస్తున్నాం గోశాలలో అదే చెప్పాను ఈ ఒంగోలు మహేష్ అగర్వాల్ తెలుసు నాకు इधर हमारे सूर्य प्रकाश जी अदित भैया तो फोटोग्राफी में लग गए। कैसा लग रहा है अदित भैया? हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप बैठे हो तो भी आपसे छोटा इधर। ऐसी गाय कभी देखी नहीं, आज देखने का मौका मिल गया। हाईएस्ट मेडिसिनल वैल्यू है। वाह अदित भैया भी आनंद ले रहे हैं यहाँ, सूर्य प्रकाश जी और अदित भैया फोटोग्राफी कर रहे हैं। वाह ब्यूटीफुल। और यहाँ पे पुराने बुल्स है वो दिखाते हैं आपको, ब्रीडिंग बुल्स सर। इधर मीदर फर्स्ट వచ్చే అని చెప్పిరు కదా, అది ఉన్నాయా సర్? అలగ్ బుల్ హై, సెపరేట్ లైన్ కా బుల్ యూస్ కరేని అన్ని రెండు కూడా బుల్స్ హై। తాతా బుల్లో నాకు ఒకటి ఒకటి और ये गाय जो तैयार कर रहे हैं 30 से 35 इंच तक होती है, ज्यादा मिनिएचर में भी उनके बच्चे होने में दिक्कत है। हमारी इच्छिंदी ला उंदा वो ले गए डॉक्टर, ये गए अब काफी ले लो एक मिनट, ये देखिए अन्ना लोकल తీసుకున్నారు రెండో వాళ్ళ। ये क्या गाय का, इसका डिटेल बताओ। ये छोटी गाय बहुत शानदार, सारी सब आगे एक साथ क्या होता है पीछे से भाग कैसे रहे इसके? अन्ना इसको देख के सर, ये क्या आवाज निकाल रही है, फुफाड़ कर रही है। 2008 में बर्न हुआ यहीं पे, 2008 में जन्म। हाँ यहीं पे जन्म। हाँ हाँ यार किसने कर इच्छन पैदा हो तालू का। हाँ दिन तमुड़ उपड़ो 2008 में यही जन्मी राम 26 यानी सेमन हम तर दिन तमुड़। ओह दे एकड़ हम तर हैं राम सेमन स्टेशन एकड़ में सर आर दिन दिले मन को बुल्ली चौंग जब ये जो पहले इनको जब दो ब्रीडिंग के लिए लिए थे उसका एक बच्चा है ये, और इसके साथ साथ इसका भाई है, इसके भाई को सीताराम स्टेशन एक है वहाँ पे इसका सीमेन दिया जाता। अच्छा इसके भाई के सीमेन जाते हैं? जाता है सबको। बुल नंबर किसी को चाहिए? राम 26 के नाम से इसके बेटे के सीमेन जाते हैं। तो ये ब्रीड बच गई? नहीं तो इसका बेटा नहीं, इसका भाई है। इसका भाई हो गया सर। ये ब्रीड बचती है, पूंछ पीछे इसकी टच होती है, एक तो खासियत है इसकी, छोटी साइज होती है, पीछे से मजबूत होती है, पांव छोटे होते हैं, ब्यूटीफुल होती है एकदम, बहुत सुंदर। और इसके थन भी आप देखो छोटे से, ये छोटा 2-3 लीटर तक दूध, 2 लीटर 2.5 लीटर तक दूध हो जाता है। वाह काका यहाँ देखो 2.2 लीटर से ताकत है, इसका रिकॉर्ड है। वाह उतना अभी आ गए इसलिए आज की डेट में चली गई। भरत जी 2.2 लीटर देता, ऐसे तो 2.2 लीटर पुंगनूर में नहीं देते, हाइट में 2.2 लीटर नहीं देते, यही दे रहा अभी 2.2 लीटर। ये गाय देखिए 2.2 लीटर पुंगनूर में, छोटी सी है तो 2.2 लीटर दे रही है। ओके सर कॉम, इसका एक प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता में और एक गाय आया वो फर्स्ट दिया, ये सेकंड दिया 2.5 लीटर दिया, तो इसको मतलब वो फर्स्ट वाला 2.5 दिया, ये 2.2 दिया, सेकंड गाय है पूरे क्षेत्र में जो इतना बढ़ के दूध दे रहा है। मिल्किंग ब्यूटीफुल सर, ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतनी सुंदर सुंदर ये ब्रीड तैयार की। मुझे इनको का रेड बुल ఉంది కదా, అవునండి దాని తర్వాత ఇంకా బాగా పాలిచ్చేది కానీ ఇంకా లేదు ఆ టైం లో లేదు కాంపిటీషన్ కన్వర్జన్ చేద్దాం సేమ్ కలర్ ఉండేది బాగుంది చూడండి చూడండి ఫోటోలే నేను చూసి షేర్ చేస్తాను ఆ కేక उसका मदर था तो कंपटीशन के टाइम पे तब तक नहीं था, पर वो इससे भी ज्यादा देती थी। अच्छा उसकी मदर? हाँ रेड बुल का मिल्किंग में भी होगी, ब्यूटी भी है। फोटो वही भेजते अपने को भी जाएंगे बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें फर्स्ट में जो गाय पहले इनको आई थी ना स्टार्टिंग 2004 में, वो अभी तक है, उसको अभी लगाए कहीं, वो भी बताते बोल रहे हैं। 2004 में आई थी फर्स्ट गाय जिससे ब्रीडिंग शुरू की। ब्यूटीफुल, थैंक यू। जय गो माता अन्ना, धन्यवाद। जय गो माता, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, हम सभी देशवासियों पे थैंकफुल है। धन्यवाद। जय गो माता, थोड़ा नींद होता सर, भी मुद्दल मेरे तैयार जी पेटी था सर, ये गड्डी मोड़िया आगे गई जी। चावल इस तरह स्टोर करते हैं ना, ये भीग जाए तो भी दिक्कत नहीं होता बारिश में? नहीं नहीं नहीं,
भीगने के लिए ऊपर का डाले, नीचे देखो आप कट्टे कट्टे बना के रखे, कट्टे कट्टे बड़े प्रेसिंग करे मशीन में, हाँ प्रेस मशीन वाले, ये गायों के लिए पूरा स्टोर कर देते हैं। ऐसी है, नॉर्मल है, ऊपर से डाल दिए तो घास ऊपर का ही भीगता, अंदर का नहीं भीगेगा, अंदर का नहीं भीगता। तो ये यहाँ पे अंदर में तरीका है चावल, ये दो साल भी रहता है, इसे दो साल नहीं भीगे सर का लगा है। हमारे ये भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता यूज करते हैं, अपने बड़े होते हैं। और ये आपने देसी यहाँ के स्टाइल का सेट है ना? हाँ, यहाँ के लोकल। तो आपने तो खजाना इकट्ठा कर रखा है, ट्रेजर हाँ, पुंगनूर का ट्रेजर। इसमें मेरे ख्याल से पहले सबसे फर्स्ट जो पुंगनूर ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट किया है ये, वो भी इसमें अभी है जिंदा, वो 2004 वाली, 20-25 साल हो गए उसको। ये देखिए आप छोटी छोटी गाय, ब्यूटीफुल, ये तो ब्यूटीफुल है एकदम, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बहुत छोटी छोटी, कितने खूबसूरत है, पीछे तक पूरी पुंगनूर ही पुंगनूर है। पिल्ला ला अंडे अभी, एक आदमी ने मिशन शुरू किया तो ये बच गई ना सर, नहीं तो बच ही नहीं पाती है। बुल्स अन पीस सुना है नहीं? आई थ्री बुल्स कंटिन्यू, थ्री बुल्स, ओनली वन फीमेल आकर पड़कुंदी। सर की मेहनत को मानना पड़ता, सर की मेहनत को मानना पड़ता। हाँ सर, मेहनत है। ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर बने। इधर और ये छोटे छोटे शेड, अच्छा है ये। ऊपर क्या है ये, क्या क्या चारा है? वही चावल का घास है, चावल का। बारिश का बिल्कुल अंदर आती नहीं, गर्मी में भी। सर से ओल्ड गाँव कौन सा? समर में बहुत ठंडा रहता, बारिश में भी उल्टा गर्म रहता, घास लग गया ऊपर, चारा घास है ना, घास है तो बारिश में गर्म रहता। नीचे पीला ले लिया और चारा डाल दिया। ये पहले तो बम्बू लगा हुआ है, उसके ऊपर ताटा को बोलते, आपको आपके पास इसका पेड़ होता है? बांस का ही हो गया। नहीं नहीं, ये सिंधी लंबा लंबा, इधर ही होता है, हमारे उधर नहीं होता है, आपके नहीं होता। अच्छा, तो उसका ऊपर क्या लगा हुआ है? पत्ता, वही पत्ते, सिंधी के झाड़ का पत्ता, सिंधी के झाड़ के पत्ते, उसके ऊपर घास डाले। तो कितना खर्चा है इसको बनाने में? 15-20,000 लेबर है। ये 120 ये पड़ते, 120 వాసాలు పడతాయి, కట్టలు, పెద్ద వాసాలు, బొంగులు, 120 బొంగులు పడతాయి ఇది. ఇవన్నీ ఇంకా తాటి కట్టలు, ఇంట్లో ఇవన్నీ డీటెయిల్ చెప్పలేము సార్, ఒకసారి ఒక అందాలతో చెప్పండి. ఎంత అవుతుంది? ఒక 70,000 ఐసా ఏక్ షెడ్ బనానికి 70,000 తో కాస్ట్ అవుతుంది, కాస్ట్ అవుతుంది మెటీరియల్ మిలాకే. హా సార్, ఓల్డ్ గౌ కౌన్ సార్ దిఖాతే సార్? అందర్ కి తా ఫస్ట్ టైం మనకి 2004 లో వచ్చింది చూడండి సార్. అది उसके बाद आया इधर ना सर, अंदर की तो पाता थी क्या एज है? वही सबसे पुराना है, जब स्टार्टिंग चार लिए थे ना ब्रीडिंग के लिए, उसमें से यही बचा अभी पुराना, सबसे पुराना यही, पहले चार जो आई थी, इसी से ब्रीडिंग हुई थी सबकी, तो यही यही सबसे पुराना वाला है। दीन तो उससे आपने कितना करेक्ट करेक्शन लाया ना, अच्छा कर दिया। अब तक अपन एक गाय बताए थे जो सबसे ज्यादा दूध दे रही, वो भी इसी का बच्चा है, इसी का बच्चा सेम बैंक में चलने, सेम बैंक में जो चल रहा, रामू 96 भी इसी का ही लड़का है, लड़का है, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी घूमने तो वैसे जाता हूँ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एक आदमी की मेहनत से क्या हो सकता है वो देखिए आप। एक शख्सियत ने नस्ल बचाने के लिए कितना बड़ा काम किया वो आपके सामने देख लीजिए। ये नस्ल ख़त्म हो जाती, चार गाय बड़ी मुश्किल से जो लगभग मिलती जुलती थी वो ला के, अच्छा नंदी और सारी चीज़ें करके, ये सबसे पुरानी इनकी गाय है, सबसे ओल्डेस्ट गाय। इनकी मेहनत कितनी होगी, क्या सोच से इन्होंने मेहनत की होगी, एक गांव के अंदर है, अपने गुरु की पदचिन्हों पे चल के इन्होंने नस्ल को बचाने के लिए, ये सबसे पुरानी गाय, जो पहली गाय लाए थे उनमें से एक बची है वो है, बिल्कुल लंबी चौड़ी, और इनके बच्चे ले लेके इन्होंने नस्ल संवर्धन करके ये तैयार किया है। ये सारे
बछड़े हो गए, बुल्स जो तैयार हो रहे आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए, तो हमारी चिंता खत्म हो गई, पुंगनूर खत्म हो जाएगी। आपने मेहनत करके बचाई है, यू सेव द पुंगनूर ब्रीड। आई वांट टू सेव द ब्यूटीफुल सर, वी आर हैप्पी। सभी जीव के ऊपर थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो जितने भी गाय है पुंगनूर है किसी का भी दूध नहीं लेते, बहुत से बहुत हाफ लीटर लेंगे टू टाइम्स का, वो भी थोड़ी थोड़ा बहुत कॉफी चाय ये लोग के लिए, बाकी का सब उसके बच्चों को ही देते हैं, हेल्थ तैयार होता है, बच्चा तैयार होता है, बच्चा तैयार होता है। थैंक यू सर, अल्टीमेट एक्सपीरियंस टुडे। और ब्रीडिंग से हमारे पास टाइम नहीं, पर एक दिन पूरा देना चाहिए था आपको, यहाँ रहना चाहिए था। ब्रीडिंग में भी ये पूरे बेच रहे नहीं, साल में एक आध बार अगर किसी को चाहिए तो भी वो भी देंगे, तो उनके पूरा वो सही चेक करके सही उसकी ब्रीडिंग करेंगे या उसको सही से देख लेंगे, नहीं वो सभी देख के ही देंगे, साल में एक या दो ही देते किसी को। सही, राइट, नहीं अदरवाइज तो अननेसेसरी वेस्ट कर देगा आदमी, गाय को भी परेशान करेंगे। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, आभार है। ये देखिए आप छोटे छोटे बच्चे जो अभी हुए, ये थान भी इनकी छोटी पड़ती है, बिल्कुल प्यारे प्यारे छोटे छोटे है ना जी, वो भी ओंगोल गाय। हाँ ओंगोल गाय हो, क्या करता ओंगोल गाय हो भैया का, इस और एक फार्म, ये नहीं ये चल रहे అది కాదండి, దీని గురించి అడుగుతారు, దాని గురించి మా తోట కజిన్ వాళ్ళ తోటలో ఉండేది, ఇంకే అవరే అక్కడ మనిషి ఫామ్ తా వాసే ఓ కామ్ కర్నే వాలే నీ హై తో భయ్యా హి ఇస్కో భీ లేకే ఆకే యహీ పే బ్రీడింగ్ కర్ రహే హై, సేవా కర్ సేవా కర్ హై, హాన్ ఉంగల్ కే భీ మనిషి కో దేనా హై, ఇస్కే ఇస్కే బుల్ బడే అచ్చే హోతే హై, బుల్ ఖేతీ మే గాయ హై, సో యే గాయ హై, ఇస్కే బచ్చే బడే అచ్చే హోతే హై, హాన్ పిల్లల్ బౌండ్ హై, టూ టీత్ మే హై, హాన్ ఇదో తమ అదిత్ భయ్యా తో पूरा खेल ही रहेंगे सर, अदित भाई फोटो लो, थम अदित दे जाएंगे अभी, आप भी सुंदर, गाय भी सुंदर। जय गोमाता, बहुत सुंदर, यहाँ से तो हटने का मन नहीं करता, इतनी सुंदर है, छोटी छोटी नन्नी नन्नी परिया है, तो ब्यूटीफुल परिया। इन दोनों की अराउंड 6 मंथ्स, अराउंड 6 मंथ्स, ये बहुत दो भी बुल्स है, वो फुली ग्रोन, 1 वीक फुली ग्रोन है, या दोनों बुल्स अकड़ा बुल्स नहीं अंत होती, वो छोड़ के 4 एकड़ में हरा घास ये कर रहे इन लोगों के लिए ही, वो भी भैया ही कर लेते, उसका तो कॉस्टिंग हम क्या बोल सकते हैं, वो घास का तो छोड़ दे के बाकी का दवाई हो गया लेबर हो गया सब मिला के हर महीना लाख रुपए तक खर्चा आता। अच्छा, तो सूखा घास